हेलो एवरी वन वेलकम टू स्टडी सेशन टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट आर रिक्रूटमेंट ऑफ एच पी पी एस ई दैट इज हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक रिक्रूटमेंट निकाली है किसके रिगार्डिंग रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर क्लास टू गैजटेड के रिगार्डिंग जो कि कॉन्टैक्ट बेसिस पे होगा ठीक है uh, किसमें ये डिपार्टमेंट ऑफ़ फॉरेस्ट में हिमाचल प्रदेश में किसके थ्रू ओ टी आर्स के थ्रू निकाली है ये ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन होगी आपकी जो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में जाके आप फिल फॉर्म कर सकते हैं ठीक है थीके? अगर हम इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की बात करें तो इसमें क्या है हमारे पास कि बिफोर फिलिंग अप ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट कंसर्न द कैंडिडेट मस्ट रीड इंस्ट्रक्शंस केयरफुली आपको सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस अच्छे से पढ़नी है उसके बाद ही फॉर्म भरना है ठीक है उसके बाद आपको बोला गया है कैंडिडेट को अपनी असेंशियल क्वालिफिकेशन के ही रिगार्डिंग अपने एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग की फॉर्म भरना है अगर आप एलिजिबल नहीं हो तो आपको फॉर्म नहीं भरना है और जो लास्ट डेट है वो कितनी है नाइन्टीन अप्रैल टू थाउजेंड ट्वेंटी तक आपके पास है ये लास्ट डेट है ठीक है अगर आपने इनकम्प्लीट ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन सबमिट कर दी तो आपका फो जो फॉर्म है वो क्या हो जाएगा रिजेक्ट हो जाएगा और अगर आपने प्रॉपर स्कैन फोटोग्राफ सिग्नेचर और अगर साइज बिल्कुल ठीक नहीं है ठीक है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाना है ठीक है अगर हम बात करें बेनिफिट रिजर्वेशन पोस्ट की तो एस सी एस टी ओ बी सी एक्स सर्विस मैन के लिए यहाँ पर है जी रिजर्वेशनस और जो हिमाचल प्रदेश है, जो बोनोफाइड हिमाचल प्रदेश का है जिनके पास उनके लिए भी एक बेनिफिट है रिजर्वेशन का ठीक है अगर बात की जाए जनरल कैटेगरी की तो उनको जो आ, क्या है उनको रिजर्वेशन रिजर्व काइंड ऑफ बोनोफाइड का एक प्लस पॉइंट मिलेगा जो कि हिमाचल के हैं उनको पहले आ, उनके लिए फ़ायदेमंद है ये अगर जो जैसे कि बाहर वाली स्टेट्स के हैं अगर वो रिजर्व रिजर्व कैटेगरी से है बट उनको रिजर्व नहीं माना जाएगा उनको अन में रखा जाएगा ठीक क्लेरेशन सबमिट करनी पड़ेगी जो गवर्नमेंट जॉब पे लगा हुआ है दैट हैव इन्फॉर्मड इन राइटिंग टू हेड एट ऑफिस डिपार्टमेंट दैट दे हैव अप्लाइड फॉर अ पर्टिकुलर पोस्ट उनको बताना पड़ेगा कि मैंने इस जॉब के लिए अप्लाई किया है विद रिटर्न इन में इसमें लास्ट में आपका सिर्फ फॉर्म सा दिया है उसको फिलअप करना पड़ेगा ठीक है अगर एक बार आपने फीस दे दी तो रिफंड नहीं होगी वो ठीक है एलिजिलिटी की बात करते हैं तो इसमें क्या है दोनों के लिए ही एक बी फॉरेस्ट्री वाले हैं वो भी फॉर्म भर सकते है और नॉन बी फॉरेस्ट्री वाले है वो भी फॉर्म भर सकते हैं ठीक है थीके? सो so, हमारे पास है कैंडिडेट uh, की जो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए क्या क्या होने चाहिए मेट्स मैट्रिक का सर्टिफिकेट मतलब कि आपके पास टेंथ का सर्टिफिकेट होना चाहिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए उसका सर्टिफिकेट अटैच होना चाहिए एस सी ओ एस टी ओ बी सी जो सर्टिफिकेट है वो वाला अटैच होना चाहिए ठीक है अगर एक सर्विस मैन है तो फिर आपका वो सर्टिफिकेट अटैच होना चाहिए उसका ठीक है अगर आपको रिलेक्सेशन चाहिए कि आप जॉब कर रहे थे आपको रिलेक्शन चाहिए पर्टिकुलर की इतना हाँ मैं एज में थोड़ी सी ज़्यादा है बिकॉज ड्यू टू ऑफ द सर्विस तो आपको ये फॉर्म है नेक्स्ट वन करके लास्ट पी डी एफ में दिया होगा आपको इतना आपको अवेल करना है इस चांस के लिए तो आप उनको भी फॉर्म भरना पड़ेगा ठीक है अगर पर्सनल क्या है ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में है या फिर वो परमानेंट जॉब है या फिर वो टेम्प्रेरी जॉब है ठीक है तो उसको क्या करना पड़ेगा उसको भी इन्फॉर्म करने का रिटर्न में देना पड़ेगा हेड ऑफ उफ ऑफिस से लिख के आ, लाना ची, लाना पड़ेगा उसको भी ठीक है कि हाँ मैं इस जॉब में हूँ तभी मैं ये पोस्ट भर रहा हूँ ठीक है अगर हम बात की जाए अगर आपने कोई कॉलम गलत भर दिया या खाली रख दिया है ये सब कुछ भी काउंट होगा ठीक है सो रिजेक्ट भी हो सकता है आपका फॉर्म इस वजह से ठीक है और स्क्रीन टेस्ट होगा इसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा रिटर्न एग्जामिनेशन होगा फिजिकल स्टैंडर्ड और पर्सनलिटी टेस्ट सब देखा जाएगा तब जाके आपकी सिलेक्शन होगी ठीक है अगर फर्दर बात करें डिसक्वालिफ़िकेशन किस किस वजह से हो सकती है तो इसमें बोला गया है कि अगर वो कैंडिडेट है अनडिज़र्व uh, कैटेगरी से है और उसने सिक्स नंबर ऑफ चांसेस ऑलरेडी ले लिए है तो क्या होगा उसके लिए अलाउड नहीं है अगर उसने अपनी असेंशियल क्वालिफिकेशन फुलफ़िल नहीं हुई हुई है उसके लिए भी नहीं होगा पहले से निकाला गया है वहाँ से गवर्नमेंट जॉब से ठीक है उसको भी डिसमिस कर देंगे क्या किया है ऑफेंस किया है उसको भी निकाल देंगे उसको भी डिसक्वालीफाई कर देंगे ठीक है शी शुड बी ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस द सिलेक्शन प्रोसेस इन एनी मैनर शी इज़ एन डिस्चार्ज इंसॉलमेंट ठीक है अगर हम फर्दर बात करें कि डिस्ट हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स डालने हमने ऑनलाइन जो हम फिल करेंगे फॉर्म उसमें क्या क्या है मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट होगा बैचलर डिग्री होगी आपकी और आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट होगा और एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्लेम होगा इंडिकेटिंग द अथॉरिटी दैट अंडर विच हैज़ सो बी ट्रीटेड ठीक है सर्विस वाला वही सर्टिफिकेट जो हमने पहले बात की वही सब चीज़ें होगी इसमें ठीक है तो अगर हम फर्दर बात करें तो पोस्ट की बात करते हैं पोस्ट किस तरह से आपके पास फॉरेस्ट गेजिटेट रेंज रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर के लिए लास्ट टू गेज के लिए इन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है जो वो है जनरल कैटेगरी के लिए कितनी है सेवन फोर बी एस वालों के लिए ठीक है और टोटल uh, वैकेंसी कितनी है सेवन ही है ठीक है अगर हम uh, इसकी बात करें ई वी एस ऑफ एच पी उसके लिए फ़ोर है फोर सीट्स ही टोटल है आपके पास ठीक है तो आपके पास नॉन बी एस सी वालों के लिए सिर्फ किसके लिए कैटेगरी के लिए है एस सी वालों के लिए है सिर्फ कितनी है आपके पास एट होगी और नॉन इन बी एस सी वालों के लिए वन है आपके पास टोटल नाइन सीट्स है एस टी ऑफ एच पी के लिए चार सीट्स है बी एस सी में और नॉन बी एस सी वालों के लिए जिनके पास जिन्होंने बी एस सी नहीं की है और उनके पास कोई और सब्जेक्ट है उसके लिए है ही नहीं सीट्स इसमें सिर्फ टोटल चार ही है ओ बी सी के लिए सिक्स है और एक सीट उसमें नॉन बी एस सी वालों के लिए है टोटल सेवन सीट्स हैं अगर हम जनरल एक्स सर्विस मैन की बात करें तो दो सीट्स है दो दो बीएससी वालों के लिए है दो नॉन फॉर फॉरस्ट्री बी एस नॉन बीएससी वालों के लिए है और टोटल वैकेंसीज है. और हैं और जनरल वार्डर एक्स सर्विस मैन की बात करें तो हम कितनी तीन है हमारे पास सीट तीन की जिसमें कि तीन बी वालों की है तीन नॉन बी वालों की है छः टोटल सीट्स है और अगर एक्स सर्विस मैन ऑफ एच की बात करें एस तो ज़ीरो वन आपके पास वन सीट है बीएससी वालों के लिए नॉन बीएससी वालों के लिए है ही नहीं टोटल वैकेंसी कितनी है आपके पास वन ही है ठीक है अगर हम एस सी वार्ड एक्स की बात करें तो आकर बी एस सी वालों के लिए नहीं है सिर्फ इसमें नॉन बी एस सी वालों के लिए है एक सीट है तो अगर हम एस टी एक्स सर्विस मैन ऑफ एच की याद हैं तो एक सीट है वो भी बी एस सी के लिए है नॉन बी एस सी के लिए एक भी नहीं है एक है इसमें टोटल सीट्स वन ही है और इसमें वन है टोटल सीट्स जो कि किसके लिए जाती है बी एस सी वालों के लिए जाती है जाती। तो टोटल हमारे पास कितनी हो जाती है यहाँ पर थर्टी सेवन सीट्स से है किसके लिए आपके पास बी आप बस सी वालों के लिए जो टोटल जिसने बी एस सी किस में की है फॉरेस्ट्री में की है और एट सीट्स आपके पास नॉन बी एस सी वाले नॉन बस सी वाले जैसे बॉटनी में किए जूलॉजी में किए सिविल इंजीनियरिंग की है कोई अदर सब्जेक्ट में किए ठीक है और टोटल कितनी सीट्स आपके पास फोर्टी फाइव सीट्स है जो टोटल है आप सो so एज की बात की जाए तो एज कितनी होनी चाहिए एक ट्वेंटी वन टू थर्टी वन ईयर्स की होनी चाहिए आप अगर आपकी एज ज़्यादा है फोर्टी टू ईयर्स अगर आप सर्विस में थे तो इतनी ही मानी जाएगी कितनी फोर्टी टू ईयर्स इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए तो ये है आपका फिक्स जो आपको अमाउंट मिलेगा इसकी सैलरी आप देख लीजिए और असेंशियल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो फिर ये होती है कैंडिडेट मस्ट बी बैचलर डिग्री किस में होनी चाहिए साइंस या इंजीनियरिंग में होनी चाहिए ठीक है किसमें एग्रीकल्चर या बॉटनी या केमिस्ट्री कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग सिविल कंप्यूटर इलेक्ट्रिकल इन्वायरमेंटल साइंस फॉरेस्ट्री जियोलॉजी या हॉर्टिकल्चर फ़िजिक्स स्टैटेटिक्स वेटनरी साइंस एंड जूलॉजी ठीक है इनके लिए है ये और फर्दर हमें यहाँ पे फिज़िकल का बता दिया थोड़ा फिज़िकल स्टैंडर्ड्स क्या क्या है ये है हमारे पास यहाँ पे हाइट की बात की जाए तो इतनी होनी चाहिए मेल वन सिक्सटी थ्री सेंटीमीटर होनी चाहिए मेल की फ़ीमेल की वन फिफ़्टी होनी चाहिए फिर आपका कैसे चेस्ट साइज है जो होना चाहिए या मेल और फीमेल का ठीक है चलो ठीक है फिर हमें बताया हुआ है किसके बारे में सब्जेक्ट्स के बारे में सब्जेक्ट्स और स्टैंडर्ड स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए क्या होंगे नॉन फॉरेस्ट्री वालों के लिए ग्रेजुएट्स होंगे जो जो बाकी जिनकी फॉरेस्ट्री में नहीं हुई है बी उनके लिए आपके पास आएगा तीन पार्ट्स तीन ए पार्ट्स होंगे जिसमें कि पहला थर्टी मार्क्स का होगा दूसरा भी थर्टी मार्क्स का और फोर्थ थर्ड वाला होगा फोर्टी मार्क्स का पहले में हिस्ट्री जोग्राफी सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट आएगी हिमाचल प्रदेश की और दूसरे वाले में डेवलपमेंट आएगी इन नॉलेज इसकी करंट इवेंट्स नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के बारे में बता देंगे डे ऑब्जर्वेशन एक्सपीरियंस इन द साइंटिफिक एस्पेक्ट के बारे में ठीक है और मे बी एक्सपेक्टेड एज एजुकेटेड पर्सन हु हैज नॉट अ स्पेशल स्टडी ऑफ साइंटिफिक सब्जेक्ट ठीक है और अगर थर्ड वाले की बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री की ऑफ इंडिया इंडियन कल्चर इंडियन पॉलिटी के बारे में मॉडर्न इकनॉमी इंडियन इकानमी जोग्राफी ऑफ इंडिया डिजास्टर मैनेजमेंट Environment, gender issues and techniques महात्मा ये सब आ जाएगा आपको जो नॉन फॉरस्ट्री वाले हैं और फॉरस्ट्री वालों के लिए सिंपल सा है का सब्जेक्ट आएगा, 80 marks का आएगा और जनरल नॉलेज आएगी हिमाचल प्रदेश की टेन मार्क्स की और जनरल इंटरनेशनल तो क्या होगी नेगेटिव मार्किंग होगी कितनी जीरो पॉइंट टू फाइव की नेगेटिव मार्किंग अगर रिटर्न एग्जामिनेशन की बात करें अगर आपका क्लियर हो जाता है एग्जाम तो रिटर्न एग्जामिनेशन में क्या होगा मेन एग्जाम होगा उसमें दो कंपलसरी होंगे और दो ऑप्शनल पेपर्स होंगे जो कि चूज़ करने पड़ेंगे किसी को अपनी विल के अकॉर्डिंग ठीक है कैंडिडेट शल भी हिस्स एप्लीकेशन ऑप्शनल सब्जेक्ट उसने पहले ही लिखे होने चाहिए जो कि उसके है कैंडिडेट शुल आंसर द ऑप्शनल पेपर किसमें इंग्लिश या हिंदी में कर सकता है वो अपना पेपर सिर्फ और कैंडिडेट शिल भी कंसिडर क्वालिफाई द रिटर्न एग्जाम अनलेस सर्ची फोर्टी मार्क्स इन कंपल्सरी पेपर अगर उसको तभी वो रिटर्न में क्वालिफाई कर पाएगा जब उसके अगर फोर्टी मार्क्स आ गए आपके पहले वाले पेपर में तभी उसके कंपल्सरी पेपर में फोर्टी फाइव मार्क्स होना चाहिए एग्रीगेट ठीक है अगर हम बात की जाए किसकी रिटर्न एग्जामिनेशन जो कि क्या होगा दो कंपल्सरी दो ऑप्शनल होंगे तो कंपल्सरी वाले में आप कैसाएगी जनरल नॉलेज जनरल नॉलेज में क्या आएगा आपके पास करंट इवेंट्स आ जाएंगे एवरीडे ऑब्जर्वेशन आ जाएगी साइंटिफिक एस्पेक्ट्स आ जाएंगे कैसे है, कैसे है और उसमें इंडियन पॉलिटी के बारे में पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हिस्ट्री ऑफ इंडिया जोग्राफी इन इंडिया के बारे में आ जाएगा ठीक है और इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में आ जाएगा आपके पास कैंडिडेट अंडरस्टैंड द पावर ऑफ राइटिंग इंग्लिश करेंट इडियम्स आने चाहिए उनको ठीक है ग्रामर पोर्शन आना चाहिए पैसेज समरी आनी चाहिए ठीक है स्टेट्स के टॉपिक्स करंट टॉपिक्स आने चाहिए नेशनल इंफॉर्मेशन इवेंट्स के बारे में पता होना चाहिए ऐसे ऐसे आएगा थर्टी मार्क्स का समरी प्रिसाइज करने को आएगी ट्वेंटी मार्क्स की ठीक है इस तरह से आपके हंड्रेड मार्क्स के दोनों पेपर होंगे ये एक जनरल नॉलेज का एक इंग्लिश का ठीक है अगर हम बात मींस ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की बात करें जिसमें से आपको दो चूज़ करने हैं कौन से ऑप्शन सब्जेक्ट्स देखेंगे आप एग्रीकल्चर हो सकता है बॉटनी केमिस्ट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग केमिकल इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग कंप्यूटर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिकल मैकेनिकल इन्वायरमेंट्स फॉरस्ट्री जियोलॉजिकल हॉर्टिकल्चर मैथामेटिक्सट फिजिक्स वेटनरी जूलॉजी ठीक है दो आपको कोई सब्जेक्ट चूज करना है इसमें से ठीक है जो कि जिसमें कि टू हंड्रेड मार्क्स का हो जाएगा हर एक सब्जेक्ट ठीक है फिर द स्टैंडर्ड फॉर एग्जामिनेशन इज ऑप्शन सब्जेक्ट विल भी बैचलर्स डिग्री नो कैंडिडेट विल भी अलाउड टू टेक मोर देन सब्जेक्ट ठीक है इससे ये कॉम्बिनेशन है जो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन फॉलो नहीं कर सकते ठीक है जो आपका सीधे एग्रीकल्चर वो का एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वैटनरी ठीक है ये ऐसे इस तरह से नहीं होना चाहिए सेम सब्जेक्ट वो एक बार नहीं ले सकता है ठीक है इस तरह से नहीं करना है उसको नो कैंडिडेटेट शेल भी अलाउड टू टेक अ मोर देन वन सब्जेक्ट्स फ्राम द फॉलोइंग ठीक है इसमें से एक ही चूज कर सकता है वो ठीक है अगर फिर हम बात करें अगर जिसका वो भी क्लियर हो जाए तो उसको क्या होगा इंटरव्यू का पर्सनलिटी टेस्ट होगा जिसकी टोटल कैटल कैलबर ऑफ कैंडिडेट इन द बोर्ड टर्म्स देर इज असेसमेंट ऑफ वन ओनली देयर इंटेलेक्चुअल इंटलेक्चुअल क्वालिटीज़ दैट द सोशल ट्रेड्स एंड देयर इंटरेस्ट इन अ करंट नॉलेज ऑफ कस्टम्स मैनर्स हिमाचल प्रदेश की ठीक है और समर्थ क्वालिटी ऑफ जज मेंटल अलर्टनेस होनी चाहिए क्रिटिकल पावर असिमिलेशन होनी चाहिए लॉजिकल बैलेंस जजमेंट वैरायटी मतलब सिर्फ जो वाइवा में होता है ये ऑफ कोर्स ये बात है आपको सिंपल इंटरव्यू हंड्रेड मार्क्स का होगा ठीक है अभी बात है कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं ओआरए के लिए एग्जाम कैसे फ़िल कर सकते हैं उसमें एलिजिबल कैंडिडेट को ऑनलाइन अप्लाई करना है वेबसाइट के पास जाना वेबसाइट जाना है वहाँ पे डायरेक्ट उसमें फॉर्म फिल करना है ठीक है और अगर फ़ीस की बात की जाए तो फ़ीस आपके पास सिंपली क्या है फोर है किसके लिए जो क्या है ई कैटेगरी से जनरल कैटेगरी से है ठीक है और एस सी एस टी सी उनके लिए कैसी हंड्रेड फीस है ठीक है जिसमें क्या आएगा आपका एक्स सर्विस मैन ऑफ एचपी हो गया डिफेंस सर्विस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ आफ नॉर्मल ट्रेंडन ब्लाइंड हो गए विजुअली इम्पेयर्ड हो गए उनके लिए कोई फीस नहीं है ठीक है तो आपका फॉर्म यहीं ख़त्म होता है सो so, ये मोड ऑफ़ पेमेंट है ये सिंपल है आपको डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए और डायरेक्ट वहाँ पर अपना फॉर्म भर दीजिए बाकी कुछ नहीं है इसमें दी आवाज़ का ज़्यादा खास सो इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू